नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सफाई कर्मी के न होने से गांव में गंदगी का समार। बहराइच विकासखंड जरौल के अंतर्गत ग्राम बसिया पति के मजरा मीरगंज और कबरियनपुरवा में गंदगी का समार देखने को मिलता है। इन गांव में सड़क पर चौक नालियां की वजह से गंदगी पानी भरा रहता है और जगह जगह कूड़े के ढेर में नजर आते। ऐसे महसूस होता है कि वर्ष में इस गांव के साफ सफाई की हो ही न हो। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में सुथरा रखने का हेतु सफाई कर्मी की नियुक्ति रखा गया, लेकिन किसी भी गांव के सफाई कर्मी को परछाई तक नहीं दिखाई पड़ती है। इससे यह हाल है कि गांव के सड़क पर चलना दुभर हो गया है। इस विषय पर ग्राम प्रधान बसिया पोते से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सफाई कर्मी के बारे में प्रार्थना पत्र खंड विकास अधिकारी कार्यालय में कई बार दे चुके हैं, लेकिन आज तक प्रार्थना पत्र कोई निस्तारित नहीं हुआ है और न ही हमारे गांव में कोई सफाई कर्मी भेजा गया, जिससे गांव की दुर्दशा बनी हुई है। इस विषय में विकासखंड अधिकारी जलवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव की गंदगी साफ सफाई गांव के रहने वाले ग्रामवासियों को खुद करना पड़ता है। जिस तरीके से वो अपने घर के साफ सफाई करते, उसी तरीके रोड सड़क और अपने दरवाजे साफ सफाई करते। हमारी सरकार साफ सफाई कर्मी केवल सरकारी भवन जैसे विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र पंचायत घर की सफाई करेंगे, बाकी गांव वाले खुद को अपने घरों के सामने सड़कों पर साफ सफाई करेंगे। गांव के स्वच्छता रखे, नाली के साफ सफाई कर रखे, जिससे गंदगी ना फैले। जहां पर प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन को लेकर गांव के स्तर पर साफ सफाई हेतु सफाई कर्मी की नियुक्ति करते हैं, वहीं पर खंड विकास अधिकारी के ऐसे बोल कहीं नहीं कहीं पश्चिम खंड कर देती है। गांव के साफ सफाई की जिम्मेदारी कौन होगा? ऐसे गंदगी समाज बने रहे तो जल्दी भयंकर बीमारियों से पूरा गांव ग्रस्त हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी कौन होगा? गांव वाले में आक्रोश व्यक्त है। इसरार सिद्दीकी की रिपोर्ट। खासकर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। पीस कमेटी बैठक आगमनी मोहर्रम जुलूस गणेश प्रतिमा स्थापन व विसर्जन के दुष्कर्ष जरवाल चौकी परिसर में आहूति की गई। जरवाल कस्बा पुलिस चौकी परिसर में उप जिलाधिकारी रंजीत मौर्या, कैसरगंज जिलाधिकारी त्रिवेदी प्रसाद, थाना प्रभारी विजेंद्र पटेल, जरवाल चौकी प्रभारी अभय सिंह अलावा जरवाल क्षेत्र के संबद्ध विकृतिवाद ताजेदारों के उपस्थित आगमनी मोहर्रम जुलूस व गणेश प्रतिमा स्थापन विसर्जन संबंध में पीस कमेटी बैठक आयोजन किया गया। बैठक में अधिकारीगण द्वारा सभी लोगों को समस्या सुनी गई। यो संबंध में लोगों को निर्देशित किया गया, सभी लोगों को आगमनी त्योहार के संबंध में समस्या और निवारण भरोसा कराया गया। सभी लोगों से एक साथ मिलकर त्योहार सकुन संपन्न कराने का वादा किया गया। शायद जफर मेहंदी ने कहा कि ये हमारे पूर्वजों से सिखाई है कि हम आपस में भाईचारा बनाए रखे, हम इन्हें बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और इनके पालन करते हैं। सैयद जाफर मेहंदी, कारी शकील, प्रमोद कुमार गुप्ता, पिंटू बाबा, मनीष कुमार गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। बैठक सकुल संपन्न हुआ। इसरार सिद्दीकी की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।